अगर एक कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है, वो कंपनी के पास जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है, रिसेंटली उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ही गिर चुका है, अराउंड 60-70% गिर चुका है, तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? वेल, ये जो कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप वल्चर इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस करते हो। वल्चर इन्वेस्टिंग मतलब कि आप उस कंपनी के शेयर्स बहुत कम प्राइस में परचेस करते हो और वेट करते हो कि जब कंपनी के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर चल जाए तो आप उन कंपनीज के शेयर्स को सेल ऑफ कर दो और प्रॉफिट बुक कर दो। इस टाइप के इन्वेस्टिंग को है ना वल्चर इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें आपका जो डाउनसाइड है वो कम्प्लीटली लिमिटेड होता है, क्योंकि आप शेयर्स जो होते हैं कंपनी के वो ऑलरेडी कम प्राइस में परचेस करते हो, और आपका जो अपसाइड है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा कर जाती है तो आपका जो अपसाइड पोटेंशियल है और आपके जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ज़्यादा ही हो सकते हैं। बहुत सारे लोग वल्चर इन्वेस्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो लोग इतना ही कैपिटल रिस्क करते हैं जितना वो कम्प्लीटली रिस्क या लूज करने के लिए तैयार होते हैं, तो इसे हम वल्चर इन्वेस्टिंग बोलते हैं। बहुत से हेज फंड्स वगैरह भी ये वल्चर इन्वेस्टिंग वाले मेथड को प्रैक्टिस करते हैं।